चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, विनीत सिंह। Thank you.
क्या बात है विनीत। विनीत एक मिनट दे रहा हूं। मैं रफी साहब के बहुत करीब था, बहुत मेरी शुरू के सब गाने रफी साहब ही गाया करते थे। आज इसकी आवाज सुनकर इतनी याद आ गई उनकी, इसको गले से लगाने को दिल किया मेरा। आप रफी साहब का कोई भी गाना सुनो, आंखें बंद करो और सुनो, आपको लगेगा कोई बहुत सज्जन बहुत नेक इंसान गाना गा रहा है, वो इसकी आवाज में लग रहा था। अभी इसने भी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इसके जब वापस आने की बारी आई थी, ऊपर आने की बारी, तो इनकी मदर ने इसको बहुत सपोर्ट किया है। जब मैं जूनियर आर्टिस्ट था सेहरा पिक्चर में, एक्स्ट्रा था मैं जूनियर आर्टिस्ट राजकमल स्टूडियो में, तो मेरी माँ गिरगाम और लालबाग बस पकड़ के मेरा खाना लेके आती थी मेरी माँ। एंड इट वॉज सो इंस्पायरिंग कि मेरे को दिल में लगता था भगवान मुझे कुछ दे कि मैं मेरी माँ के लिए कुछ करूँ। दैट्स व्हाट मदर्स आर, दैट्स हाउ दे इंस्पायर यू। आई विश यू ऑल द लक। जय माता दी। थैंक यू सर। जय माता दी। ठीक है कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली बताता हूँ, खुशियाँ मिलती है तो फिर माँ के आँख में आंसू आता ही है। हम सब पुरानी फिल्म्स देखते हैं और आपकी कितनी फिल्में हमने साथ में बैठ के देखी हैं। और बहुत बड़े फैन हैं जीतू जी के। सर आप बहुत ज्यादा हैंडसम हैं और मैं हमेशा टीवी पे मैंने आपको देखा है, आप इतने ज्यादा हैंडसम हैं और आज यहाँ पे उससे भी ज्यादा हैंडसम लगे। आई स्वेयर ऑन गॉड। और बोल ही रहे तो एक बात और बोलना चाहिए सर, आप पिछली बार आए उससे कम 5 साल जवान होके लग रहे हो आज। आई डोंट नो हाउ आप करते कैसे हो, मेरे समझ में नहीं आता, बट जेन्युइनली फिटनेस और अगर मतलब जॉय ऑफ लाइफ आपके चेहरे पे दिखाई दे, इट्स वंडरफुल, रियली वंडरफुल टू हैव यू सर। यू आर ए वेरी स्वीट मैन, यू मस्ट मीट मी एवरी डे, यू मेक माय डे। यार विनीत की आवाज ना मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मुझे सबसे बेहतरीन क्या लगता है मालूम, विनीत के गायकी के बारे में कि बेझिझक होके जो गाता है ना, ये जो हु हु से गाने में जाना, इट्स नॉट इजी। मस्त बहारों का मैं आशिक, पूरे जोश में गाया एंड आई रियली एडमायर दैट अबाउट यू। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ग्रेट जॉब। थैंक यू। वेल डन विनीत, मजा आ गया है, बहुत अच्छे। चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को, चिराग और काव्य। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम,
प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा के सहारे मैंने पा लिए जीने को और क्या चाहिए तोहफा 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 जी तो सर आप में ऋषि कपूर सर में राकेश रोशन सर में और प्रेम चोपड़ा सर में गहरी दोस्ती है तो सर कुछ सवाल हैं क्या आप उसके जवाब देंगे सर तो ये कुछ तस्वीरें आपके ओह क्या बात है फोर बेस्ट फ्रेंड्स सर आप चारों में से सबसे चुगलखोर कौन है जो एक दूसरे की चुगली करता था या करता है जो उस वक्त वहां पे नहीं होता था उसकी चुंगली होती थी अगला सवाल आप चारों में सबसे ज्यादा फ्लर्ट करने वाला कौन है नहीं वी आर ऑल डोमेस्टिकेटेड डेडिकेटेड टू आवर वाइव्स क्या बात हाउ स्वीट क्या बात हो रही आप चारों में सबसे ज्यादा के इंग्लिश बोलने वाला कौन है सबसे ज्यादा इंग्लिश मैं बोलता था आप चारों में सबसे ज्यादा गोवा या बाकी दोस्तों का प्लान कैंसिल करने वाला कौन है खासकर बीवी के कहने पर बीवी के बगैर कुछ हो सकता है बीवी के कहे बगैर अभी आपकी शादी हुई है अभी सुनो जी सर आपकी शादी हुई है जी सर इंटरवल तक स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में रहेगा इंटरवल के बाद उधर चला जाएगा फिर देखना तुम शादी के बारे में तो एक एक इंसान तो इतना बेचारा है देखो एक इंसान जो घर से टॉर्चर होकर इंडियन आइडल में शूटिंग करने आता है प्यार मोहब्बत से जी सर उसे फिर से वो याद ही तुम लोग दिला दिला कर क्यों डरा रहे हो मैं अच्छे मूड में हूं रमेश जी सर तेरी इतनी हिम्मत कहां से आ गई घर नहीं गाना आज एक्चुअली अच्छा गाने वाला रात को ओह माय गॉड जीतू सर आप जैसे कि एचआर की बात चल रही थी एचआर सोनिया दीदी से बहुत डरते हैं है ना तो क्या आप भी कभी डरते थे आप मुझे पब्लिकली ह्यूमिलेट क्यों करना चाहती हो ऐसे डरावने सवाल कर करके जिनका जवाब भी नहीं दे सकता हूँ किससे है सर मतलब आपका जो हैंडसम हस्बैंड है ना जी उसकी मैं उसके दिन देखने वाला हूँ मैं बेचारा रोहू पिस गया बीच में तो सर अगला सवाल आप चारों में से सबसे ज्यादा झगड़ालू कौन है सर झगड़ालू तो हम है ही नहीं झगड़ालू होते तो दोस्ती नहीं होती ये दोस्ती है 40 साल पुरानी 45 साल पुरानी 40 इयर्स प्रेम चोपड़ा एंड मी 50 इयर्स मोर देन 50 इयर्स वी यूज्ड टू स्टे इन द सेम कंपाउंड जी सर वो ए विंग में था मैं सी विंग में था जी और दोनों स्ट्रगल कर रहे थे तो एक दूसरे को जैसे देखें कंपाउंड में तो अपनी अपनी गाड़ी जो इंस्टॉलमेंट में ली हुई थी वो ऐसी लेके भागे जैसे बहुत काम से जा रहे हैं और जब बाद में पता लगता था हम दोनों एक दूसरे को टकराते थे फेमस स्टूडियो में जी सर मालूम तो एक दिन उसने कहा कि पेट्रोल तेरा भी जल रहा है मेरा भी जल रहा है तो स्ट्रगल साथ में करते हैं और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आंसर राउंड खत्म होता है तो चलिए बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को विनीत सिंह एंड देवोस्मिता रॉय हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने हम भी जमाने
जवानियां अरमा दिल में है दिल मुश्किल में है जाने तमन्ना सदियों पुराने चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने हम भी जमाने से है तेरे दीवाने चाहे तू माने चाहे ना माने चाहे तू माने चाहे ना माने सजे हुए हैं कल से आहा कल से गोरी तेरे अंग अंग में रूप रंग के सजे हुए हैं कल से आहा कल से जजेस और ऑडियंस ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट था फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़